यूनिफाइड एकीकृत वाइसवा सप्ताह सत्य के लिए चैनल खोलना। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपका मन अभी भी इस ज्ञान का विरोध करता है, यद्यपि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपके दो या दो से अधिक हिस्से थे, प्रत्येक अपने स्वतंत्र विचारों और प्रेरणाओं के साथ। आपका मस्तिष्क भी ऐसा ही एक हिस्सा है। युगों युगों से आपका मन ही आपका प्रभारी रहा है। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया गया है। उसके तर्क को सीखना और उसके न्यूरॉन्स को प्रशिक्षित करना इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके मन का राज्य है। जिन नौकरियों में प्रशिक्षित बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, वे अधिक भुगतान करती है। बुद्धिजीवी वर्ग एक विशिष्ट वर्ग है, यहाँ तक कि वे अपनी अलग बस्ती में भी रहते हैं। अब अचानक आपके मन को पीछे बैठने के लिए कहा जाता है, और इतना ही नहीं, फिर आप अपने हृदय को बल देते हैं। आपके मन के दृष्टिकोण से हृदय केवल एक बुढ़िया के बाल वाली भावनात्मक कैंडी है। इसमें कोई तर्क नहीं है, याद करने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं है, कोई आदत नहीं है, कोई कंडीशनिंग नहीं है, फिर भी आप उस अधीनस्थ को प्रभारी बनाना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया है। कुछ समय के लिए आप इन पाठों को ठीक ठीक पालन करने ठीक से काम करेंगे। आप अपने हृदय को उसके ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता से संबंध के द्वारा मार्गदर्शन करने देंगे। फिर अचानक अपने प्रशिक्षण, तर्क और कंडीशनिंग के साथ आपका मन अपने जीवन के लिए संघर्ष करेगा। उसके प्रमुख हथियार क्या है? संदेह। आप कभी कभी संदेह की अवधि में से भी जाएंगे। आपको अपने संकेतों पर संदेह होगा। आप अपने शांत समय में संचार पर संदेह करेंगे। आपको इस पाठ्यक्रम की बुद्धिमत्ता पर भी संदेह होगा। आप अपने सृजनकारी स्वभाव पर संदेह करेंगे। मन को लगता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे फिर से अपना वर्चस्व प्राप्त कर सकता है। वह सक्रिय रूप से विवाद करेगा। वह अपने विचारों को जोर से और स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगा। आप उसे सुनने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर पाएंगे। ये वे विचार है जिनसे आप अभ्यस्त हैं। वे सदियों से आप पर राज्य करते रहे हैं। यही कारण है कि आप हर समय ईश्वर के गुणों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रतिरोध प्रतिवाद करना हृदय का स्वभाव नहीं है। उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। वह जानता है कि छोटा मन लंबे समय तक कभी जीत नहीं सकता। हृदय अपनी दिव्य प्रकृति, अपनी अमरता और ब्रह्मांड से अपने संबंध को जानता है। मन की चिल्लाहट उसके कठोर आवरण में प्रवेश नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। तो हृदय शांतिपूर्ण, सौम्य और सर्वज्ञ बना रहता है। क्या ये परिचित सा लगता है? शायद ऐसा होता है। यदि मन ने अपनी बात मनवा ली थी तो निस्संदेह आपने इस बिंदु तक पहुंचने से पहले कई बार इस पाठ्यक्रम को शुरू किया और रोका होगा। हो सकता है कि आपको किसी पाठ को पढ़ने में 2 सप्ताह लगे हों, या हो सकता है कि आप भाग्यशाली हो और आपने उस चिल्लाते और मचलते बच्चे को अनदेखा कर दिया हो जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इस सप्ताह उस मन को ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाते हुए देखे और जाने कि वह क्या है। उसे देखे
लेकिन उस कोलाहल में सम्मिलित ना हो, अंततः मन को अपना सच्चा आशीर्वाद मिल जाएगा। उसे न तो विस्मृति के लिए छोड़ा जा रहा है और ना ही उसे दूसरे दर्जे की स्थिति में धकेला जा रहा है। इसकी जगह आप सॉफ्टवेयर के खुले खाते के साथ उसे एक नया कंप्यूटर हार्डवेयर खरीद कर दे रहे हैं। उसके माध्यम से मन जो भी जानना चाहे वह जान सकता है। ये केवल इस बात तक सीमित नहीं होगा कि वे अपनी शिक्षा में क्या शामिल कर सकता है या आपके कुछ अनुभवों से क्या याद रख सकता है। फिर जब भी आप अपने मन से मदद मांगेंगे तो वे पूरी सटीकता के साथ मदद देगा। उसकी सफलता निश्चित है। हृदय उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, बल्कि उसका अविभाज्य जीवन साथी बन जाता है। वस्तुतः ये एक राजसी आंतरिक शादी है। हीलियम परमाणु की तरह ये वास्तव में अकेले मौजूद नहीं हो सकता। हीलियम परमाणु स्वयं अस्थिर है, इसलिए दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं। ये प्रकृति में H2 के रूप में पाया जाता है, यानी सिर हेड और हृदय हार्ट मिलकर H2। अब तक इस पाठ्यक्रम ने आपकी शांत अवधि में आपके उच्च स्व से संकेत को आपके उच्च स्व के साथ संचार के रूप में जोड़ दिया है। आप उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे आपके स्व से आ रहे हैं, परंतु ये शांत अवधियाँ ही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे आपका स्व आपके संपर्क में रह सकता है। हो सकता है कि आपके लिए ये सबसे अच्छा तरीका भी ना हो, पर ये आधारशिला अवश्य है। यदि कभी आपको लगे कि आपके उच्च स्व के साथ संवाद करने का एक और अच्छा तरीका हो सकता है तो उसे डरे नहीं। वे सामान्य सुरक्षा के उपायों का उपयोग करना सुनिश्चित करें। हमेशा अपना उच्च स्व का संकेत प्राप्त करें। जब आप वास्तव में अपने उच्च स्व के साथ संचार कर रहे होते हैं तो वे हमेशा मौजूद रहता है। हमेशा अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व के अलावा अन्य सभी के लिए बंद रखें, और जब भी आवश्यकता हो अपने आभा मंडल को बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त करें। इससे पहले कि आप संचार के किसी अन्य रूप का प्रयोग करें, आप पारंपरिक तरीके से अपने उच्च स्व से पूछें कि क्या उस अन्य तरीके से संचार करना बुद्धिमानी होगी और आपके उच्चतम हित में होगी। आपने हाँ और नहीं के संकेतों का उपयोग करें और नहीं उत्तर को अनदेखा ना करें। इस प्रकार से संवाद करने के कई तरीके हुए। ढेरों कार्ड और ओइजा बोर्ड भी लोकप्रिय है। टैरो कार्ड और ओइजा बोर्ड ये दोनों भी लोकप्रिय है। यहाँ तक कि ताश के पत्तों की एक साधारण गड्डी भी संचार के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, यदि पत्तों का अर्थ स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित हो। एक नई पुनर्जीवित पद्धति रूम्स का उपयोग करती है। पेंडुलम का उपयोग भी बहुत लोकप्रिय है। एक हल्की मेज या स्टूल का उपयोग किया जा सकता है। दो लोग एक दूसरे के सामने मेज पर हल्के से हाथ रखते हैं, वे किसी भी बिन बुलाए प्रभाव के प्रति अपनी आभा को बंद कर देते हैं, अपने उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य को बताते हैं और ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं।
फिर वे पूछते हैं कि उच्च स्व उनमें से किसी एक के लिए मेज उठाकर संवाद करे। जब दोनों पूरी तरह से ईश्वर और एक दूसरे के साथ एकीकृत हो जाते हैं तो चार में से दो पैर उनमें से एक की ओर उठेंगे। इसके लिए कुछ मिनट का शांत समर्पण लग सकता है। उसके बाद प्रक्रिया वही है जो आपके शांत समय के साथ थी। मेज का 3 बार टैप करना। टैप करने का मतलब है हाँ। इसका ये अर्थ भी है कि आप जो बोल कर कहते हैं वह उच्च स्व से सही संचार है। एक टेप नहीं का संकेत है। आप दोनों एक ही उच्च स्व के साथ संवाद कर सकते हैं क्योंकि अंततः आप एक ही हैं। जब मेज पहली बार उठे तो पूछे, क्या मेज किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से मुक्त है? किसी भी प्रभाव को तब तक ठीक करे जब तक आपको उस प्रश्न का उत्तर हाँ ना मिल जाए। फिर उच्च स्व से उसके नाम के अक्षरों को एक एक करके टैप करके अपनी पहचान देने के लिए कहे। पूरे संचार के दौरान किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से सावधान रहे और आवश्यकता अनुसार उन्हें ठीक करे। यदि आपके कोई प्रियजन इस बिंदु तक इस कोर्स को लगन से कर चुका है तो आप दोनों मिलकर एक हल्की मेज का उपयोग करके अपने संचार का अभ्यास कर सकते हैं। आपको विश्वास करना होगा, वास्तव में जानना होगा कि मेज ऊपर उठ जाएगी, अन्यथा संचार का ये रूप काम नहीं करेगा। यदि आपका मन संदेह में डूबा रहता है तो आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ सकता है जब तक आपका मन और हृदय और अधिक एकीकृत ना हो जाएं। इस सप्ताह का मुख्य अभ्यास संचार का एक और रूप है, लेखन। इस सप्ताह हर दिन हमेशा की तरह शांत अवधि में प्रवेश करें, फिर संचार को खुलकर बोलने के बजाय उसे लिख ले। हो सकता है कि ये करना बहुत अच्छा ना लगे। ये प्रक्रिया इस अर्थ में स्वचालित नहीं है कि कलम जो करती है उस पर आप नियंत्रण खो देते हैं। आप बस उस संचार को लिख रहे हैं जिसके बारे में आप बोल रहे हैं या सोच रहे हैं। ध्यान दें कि ये कितना सरल और सहज है। आप जो लिख रहे हैं उसका मूल्यांकन ना करें, बस लिखे। अर्थ जानने के लिए इसे बाद में पढ़े। इस विधि से कई महान पांडुलिपियों का जन्म हुआ है। इसी विधि से कई महान वैज्ञानिक सफलताएं प्राप्त हुई है। अब इस विधि का प्रयोग कई बार करें। इससे भावी पीढ़ी के लिए एक रिकॉर्ड भी बनता है। कितनी बार आप अपने संचार के दौरान कही गई बातों से